हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम सिक्यो अड्डा वी लास्ट पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आज हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इसके टोटल टेन पार्ट्स हैं आप डायरेक्टली इस पार्ट पे आए हैं तो आप पहले से देखिए और अपनी हिस्ट्री जो है बेस्ट मटेरियल के साथ कंप्लीट कीजिए चले आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले जिसकी हम बात करेंगे वो है लखनऊ पैक्ट। हम नेशनल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं कल हमने स्टार्ट की थी और जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपको जो है डिटेल में जो है आपको करवाऊंगा ताकि आपसे क्वेश्चन ना छूटे एग्जामिनेशन में ठीक है वाइस रॉयज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं किसके दौर में क्या हुआ ये मैं आपको बता चुका हूँ लखनऊ पैक्ट जो था इसमें क्या हुआ था ये हुआ था बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ठीक इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है वो ग, बाल गंगाधर तिलक थे और मुस्लिम लीग की तरफ से जिना ठीक है और ये हो पाया था विद एफोर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी इसका नाम जो है इससे पहले भी मैंने एक बार जो है आपको कल बोला है और इस लखनऊ पैक्ट की वजह से क्या हुए कि एक्सट्रीमिस्ट्स जो थे वो बैक हुए कांग्रेस में वापस आ गए ठीक है जो कि कांग्रेस सिर्फ मॉडरेट्स से भरा था अब आपको इस डिटेल में नहीं जाना कि एक्स्ट्रीमिस्ट्स कौन थे मॉडरेट्स कौन थे वो तो कंपाइलर असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस है आपने बस ये याद रखना है कि लखनऊ लग, पैक्ट जो है इसी में मॉडरेट्स वापस आए थे सॉरी एक्सट्रीमिस्ट वापस आए थे और दूसरी चीज़ ये आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में हुई थी 1916 में जिना और तिलक जो है उन्होंने इस पैक्ट को साइन किया था और लखनऊ सेशन के दौरान हुआ था ये जिसकी प्रेसिडेंट थी अंबिका चरण मौजूदार चले उसके बाद है होम रूल मोमेंट 1916, 17 में ख़त्म हुआ था लेकिन 1916 सिक्सटीन मेनली डेट है दो बार दो जगह स्टार्ट हुआ था एक बाल गंगाधर तिलक ने एक एनी बी ने बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में स्टार्ट किया और एनी बी ने सितंबर में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में स्टार्ट किया और एनी बीसेंट ने मद्रास में ठीक है <coughs> बाक़ी इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये होम रूल लीग मोमेंट था क्या इसमें पॉलिटिकल एजुकेशन जो है प्रमोट की गई प्रोपोगट की गई न्यूज़पेपर्स के थ्रू सॉन्ग्स के थ्रू यू नो प्लेज के थ्रू और फंड्स कलेक्ट किए गए क्योंकि ये एक पार्ट था फ्रीडम स्ट्रगल का ठीक है सो पैट्रोटिक सॉन्ग्स जो है वो निकलने लगे ताकि जज्बाती हो लोग और प्लेज सॉन्ग्स न्यूज़पेपर्स में जो है उस टाइप की न्यूज़ और बिल्कुल इनक्रेज करने के लिए लोगों को ठीक है और इसमें क्या हुआ कि 1917 में ब्रिटिश ने अरेस्ट किया था एनी बिस को ठीक है चले उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में बिहार में हुआ ये इंडिगो प्लांटर्स जो थे इनको केमिकल डाइज जो है वो ग्रो करने के लिए बोला था ब्रिटिश ने ठीक है और इसमें एक फार्मर था राजकुमार शुक्ला वो गांधी जी के पास गया और इसके बाद जो है ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ चंपारण में चंपारण गांव का नाम है और ये पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह है गांधी जी का ठीक है और इसमें जो मेन रोल रहा है वो राजेंद्र प्रसाद और जे कृपलानी का है जो कि जिन्होंने सपोर्ट किया इसमें गांधी जी को और ये कामयाब हुआ ये चीज़ ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें बुक एक है इसके बाद हैट एक्ट काला कानून नाइनटीन <laughs> इसमें जो है मेन चीज़ें क्या थी एक तो इसमें 18 मार्च 1919 को जो है सेडिशन कमेटी बिठाई गई जिसने काला कानून स्टार्ट किया इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी एक थी कि इसमें इम्प्रिजनमेंट थी विदाउट एनी ट्रेल ठीक है और दूसरी चीज़ थी कि सस्पेंड द राइट ऑफ कॉर्पस ठीक है सो so, इस ब्लैक लॉ के एंटी क्या हुआ कि बाईकॉट स्टार्ट हुआ नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुई ठीक है जो कि पहली कंट्री वाइड एजिटेशन थी और खिलाफत मोमेंट भी जो है स्टार्ट हुई जो कि मुस्लिम्स के थ्रू लेकिन खिलाफत मोमेंट जो है वो गांधी जी ने क्या किया उसने थोड़ी सी चालाकी की यहाँ पे क्योंकि देखिए ऑटोमन अम्पायर जो है बाहर इंडिया के बाहर वो फाल होने लगा था और उसके जो है उसमें मुस्लिम्स का बहुत जो है गुस्सा था इंडिया में और ख़िलाफत मोमेंट थी तो गांधी ने क्या बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे ऑटोमन एम्पायर में तो आप हमें सपोर्ट कीजिए नेश नॉन कॉपरेशन मोमेंट में ठीक है और ये फाल कब हुई फिर जब चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ ठीक है इसके बाद जलिया वाला है जलियावाला बाग मशक्कर डेट बहुत ज़रूरी याद रखनी है थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइन्टी अमृतसर जगह थी जर्नल डायर जो है इसके ऑर्डर्स थे बैसाखी का दिन था और इसमें अरेस्टस भी हुए सैफुद्दीन किचली को किया गया डॉक्टर सत्यपाल को 2000 से प्लस डेथ्स हुई और फिर इन डेथ्स के लिए कमीशन बिठाई गई जो कि हंटर कमीशन थी ठीक है और इसको जो है इसको हिमालयन ब्लंडर भी बोला जाता है ऑप्शनल वाइट वाश और इसी की वजह से जब फिर जो जनरल डायर था उसको मारा किसने सरदार उधम सिंह ने ठीक है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मोमेंट के बारे में थोड़ा ये तो मैंने आपको बोला स्टार्ट कहाँ से हुई है 1919 से 1922 खिलाफत स्टार्ट की अली ब्रदर्स ने और मोहम्मद अब्दुल कलाम ने नेशनल वाइड एजुटेशन थी और खिलाफत जो है खिलाफत कमिटी इन्होंने बोला कि अगर डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया तो वो नॉन कोऑपरेशन की तरफ जाएंगी ठीक है और फिर ये नॉन कोऑपरेशन भी इसी के साथ ही स्टार्ट हुई थर्टी वन अगस्त 1920 में वो मैंने आपको समझाया कि कैसे ये लिंक हुए आपस में ठीक है इसके बाद है स्वराज पार्टी 1922 में बनी ठीक है सरदास प्रेसिडेंट बने पहले और सेक्रेटरी थे पहले मोतीलाल नेहरू बस ये तीन चीज़ें याद रखना है इस बारे में इसके बाद आया साइमन कमीशन 1927 में ठीक है और फिर 1920 में ये वापस रिफॉर्म हुआ प्रॉब्लम क्या थी सारे वाइट थे इसमें अपॉइंट किया था किसने लॉर्ड ब्रैकन हेड ने हेड था इनका सर साइमन ठीक और क्यों क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ 1919 एक्ट जो काला कानून था उसकी जांच के लिए उसमें मतलब बदलाव के लिए जो है ये कमीशन बिठाया गया लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इसमें सारे गोरे थे किसी इंडियन को जगह नहीं मिली सो इसके बाद क्या हुआ 1927 में जब मद्रास सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अंसारी थे तो उसमें जो है ये कमीशन बाइकॉट किया गया और इसका सपोर्ट मुस्लिम लीग ने भी किया और हिंदू महासभा ने भी किया कि इसको बाई बायकॉट करेंगे ठीक है उसके बाद क्या हुआ साइमन कमीशन रिपोर्ट आई इस कमीशन की रिपोर्ट आई 1928 में और उस रिपोर्ट की वजह से जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पॉपुलर नारा चला गो साइमन गो बैक उसके बाद क्या हुआ इसी साइमन रिपोर्ट के बाद 1928 में ही जो है सेंडर्स था इसने लाठी चार्ज करवाई लाहौर की बात है और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई ठीक है और इसी वजह से फिर भगत सिंह ने इसको मारा था सेंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने बोला कि हम एक कॉमन रिपोर्ट बनाएंगे जिसको कि नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं ठीक है नेहरू रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं 1928 में बनाई गई मोतीलाल नेहरू की तरफ से अगस्त 1928 में इसमें क्या था कि हमें सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस चाहिए इक्वल राइट्स चाहिए वुमेन के लिए ठीक है फ्रीडम होनी चाहिए यूनियन फॉर्म करने के लिए और रिज़र्वेशन होनी चाहिए मुस्लिम्स इन माइनॉरिटी में ठीक अब क्या हुआ जब ये नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई तो इसको इसके रेस्पॉन्स में मुस्लिम लीग ने जो है ये रिजेक्ट कर दिया नेहरू रिपोर्ट तो ये फेल हो गई ठीक पहली बार की बात हो रही है जब ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पास पास नहीं मतलब पेश किया गया तो मुस्लिम लीग ने इसको जो है वो फ, रिजेक्ट कर लिया और इसी आ, के बाद जो है जिना ने पॉइंट्स जो है डिमांड की ठीक है जिसमें डिमांड फॉर पाकिस्तान भी एक डिमांड थी इसके बाद है लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें जवाहरलाल नेहरू ने रिप्लेस किया मोतीलाल नेहरू को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है बाइकॉट की गई पूर्ण स्वराज पहली बार इस्तेमाल किया गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और सिविल डिसओबीडेंस मोमेंट जो है वो भी लॉन्च हुई इसी लाहौर सेशन की वजह से और दो चीज़ें बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि 31 दिसंबर 1921 को जो है 29 को ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया जो कि इंडिया का फ्लैग है आज ठीक और ये भी डिसाइड किया गया कि जनवरी 26 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा ठीक है इसके बाद आई सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट 1930 में डेट एग्जैक्ट याद रखना 12 मार्च 1930 स्टार्ट कैसे हुई डांडी मार्च के साथ जिसमें 78 एट फॉलोअर्स थे 240 सौ माइल्स वो चले सबरमती आश्रम से डांडी तक ठीक है क्यों सॉल्ट ला को ब्रेक करने के लिए जो टैक्सेस थे सॉल्ट्स पे उनको ब्रेक करने के लिए ये गांधी की तरफ से था इसके बाद है कॉमिनल अवार्ड देखिए कम्युनल अवार्ड जो था ये 16 अगस्त 1932 में पेश किया गया इसमें क्या था कि माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दी जाए इसमें ये बोला गया कि सीट्स को डबल किया जाए माइनॉरिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो माइनॉरिटीज के लिए वेटेज हो माइनॉरिटीज के लिए माइनर एरियाज़ में लेकिन इसमें गांधी जी ने ऑब्जेक्शन किया इसने बोला गांधी जी ने कि डिप्रेस्ड क्लास जो है जो माइनॉरिटीज़ है वो इंटीग्रल पार्ट है हिंदू सोसाइटी की उनको अलग हम नहीं निकाल सकते रिजेक्ट किया ये क्रमिनल अवार्ड और फास्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट किया यारवादा जेल में इसके खिलाफ और फिर ये जो है ये एंड हुआ जब पूना पैक्ट हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच में ट्वेंटी फाइव सेप्टेम्बर नाइनटीन थर्टी टू को ठीक है इसके बाद आया अगस्त ऑफर 1940 में अगस्त ऑफर में वाइस रॉय जो था लिंद गो उसने क्या बोला कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे जंग के बाद ठीक है इसमें क्या था कि देखिए वर्ल्ड वार हो रही थी और ब्रिटिश का बहुत नुकसान हो रहा था तो इन्होंने ये सोचा कि हम इंडिया से जो है हेल्प मांगेंगे और इनको बोलेंगे कि इसके बाद हम आपको जो है डोमिनियंस का स्टेटस देंगे ये था अगस्त ऑफर ये फेल हुआ था ठीक है उसके बाद आया क्रिप्स मिशन 1942 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी के लिए ठीक है और इसमें इन्होंने ये बोला कि ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल करेगा डिफेंस को जब तक जंग चल रही है ठीक है मतलब सामान जो जंग का हो वो उनके पास अंट कंट्रोल रहेगा इसके बाद जो है इसको गांधी ने बोला पोस्ट डेटेड चेक इन क्रम्बलिंग बैंक कि इनका तो कोई भरोसा नहीं है ये बोलते कुछ है करते कुछ हैं ठीक है सो so, ये क्रिप्स मिशन भी जो है ये फेल हो गया इसके बाद आया कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन आया 1946 में इसमें कौन कौन था वेवल था लॉर्ड वेवल लॉरेंस था क्रिप्स था और अलेक्जेंडर था इन्होंने क्या किया इन्होंने रिजेक्ट कर दिया फुल फ्लैज पाकिस्तान इन्होंने ग्रुप्स बनाए और जिना ने यह रिजेक्ट कर दिया कि नहीं कैबिनेट मिशन में जो है हमें पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए और स्टार्ट किया डायरेक्ट एक्शन प्लान 16 अगस्त 1946 को इसके बाद क्या होता है इसके बाद एटली जो है ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर वो अनाउंसमेंट करता है कि हम विड्रॉ करेंगे इंडिया से जून 10 1948 तक ठीक है उन्होंने टाइम दिया और ये चीज़ आपको पता है कि माउंट बैटन लास्ट वाइस रॉय था सो उन्होंने ये चीज़ बोला कि मोर देन वन सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली मेजॉरिटी जो है फेल हो जाएगी इसके बाद आया माउंट बैटन माउंट बैटन प्लान जो था वो थर्ड जून को आया 1947 में और इसमें पावर दिया गया इंडिया को और पाकिस्तान को 15 अगस्त उन्नीस को ठीक हो और आपस में जो है इनको एक बाउंड्री बनाई गई जिसको रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन बोलते हैं ठीक एल जो है इसके बाद आपने जो है थोड़े से याद रखनी है ये चीज़ की इम्पोर्टेंट लीडर्स के बारे में कुछ पूछा जा सकता है जैसे महात्मा गांधी है फादर का नाम करमचंद गांधी था ठीक है मदर का नाम था पुतली बाई वाइफ का नाम था कस्तूरबा ठीक है और पहले जो है वो अफ्रीका में थे फिर इंडिया आए ठीक है दादाबाई नरोजी के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में ये एक तो ये गांधी के गुरु थे और इन्होंने फाउंडेशन रखी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो पार्टी है उसकी याद रखना ये चीज़ इसके बाद बाल, बाल गंगाधर तिलक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं इसको न्यूज़पेपर दो चलते थे मराठा और केसरी यही चलाते थे बाल गंगाधर तिलक ठीक अंबेडकर के बारे में जो है सिर्फ एक चीज याद रखना किसको स्टेट्स मैन बोलते थे ठीक है और इसने तीनों राउंड के टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है मैं पार्टिसिपेट किया था ठीक है मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि एक तो ये प्रेसिडेंट थे खिलाफत कमेटी के और इनकी बुक है इंडिया वनस फ्रीडम पूछा जा सकता है ठीक खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी इसको बोलते हैं ठीक है और इसको भारत रत्न मिला 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बस इतना काफ़ी है सुभाष चंद्र बोस पता ही इसको नेताजी बोलते थे जय हिंद उन्होंने नारा दिया है और द इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक है ठीक और है जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक है और इनकी ऑटोग्राफ बायोग्राफी है उसका नाम है जो कि इनकी ऑटो बायोग्राफी है ठीक है इसने खुद अपनी ऑटोग्राफ बायोग्राफी लिखी है चले इसी के साथ जो है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गई टेन पार्ट्स इसमें आए बिल्कुल डीप से पढ़ाई है इतनी आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप जे के एस एस बी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं कोई भी लेकिन अगर उसमें टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया ठीक है अगर फ्रीडम स्ट्रगल है या कुछ और है उसके लिए आपको बिल्कुल डिफरेंट मेथड से पढ़ना पड़ेगा आपको उस टॉपिक में डीप जाना है जो उसने पूछा है लेकिन यहाँ पे इसने पूछा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया वो हमने आज कंप्लीट की और बेस्ट मटेरियल मिला है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सो इन रिटर्न इतना ही चाहते हैं हम कि आप चैनल को शेयर करें हमें हेल्प करें ग्रो करने में वीडियो लेक्चर्स को लाइक like करें बहुत मेहनत लगती है और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चले थैंक यू वेरी मच